नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में। तो जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट आ चुका है 8 सितंबर 2023 यानी अभी ये अपडेट आया हुआ है। इस अपडेट में आप लोगों के लिए दो नई अपडेट है, दो महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो 19.0 का अपडेट आया था जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी THR की समस्या को लेकर, तो इस अपडेट को कर लेने के बाद आपकी जो समस्या है THR वाली वो समस्या अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। देख सकते हैं पोषण ट्रैकर ऐप में जो नया अपडेट है यहाँ पे सीधे तौर पे देख सकते हैं लिखा गया है एडेड 25 डेज ऑप्शन इन THR, और दूसरा जो अपडेट है हॉट फिक्स फॉर THR लिस्टिंग पेज। तो इस अपडेट में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि जो पोषण ट्रैकर ऐप में जो 7 दिन और 15 दिन का जो ऑप्शन शो कर रहा था THR भरते समय, वो ऑप्शन अब यहाँ पे बढ़ा के 25 दिनों का ऑप्शन कर दिया गया है। यानी कि ये ऑप्शन भी रहेगा, ये ऑप्शन भी रहेगा, और यहाँ पे 25 दिन का जो ऑप्शन है जिसमें कि आप लोग 25 दिनों का जो THR देते हैं सभी लाभार्थी को, वो ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो सभी सेविका बहन पोषण ट्रैकर ऐप को फटाफट से अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ से इसको अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करते हैं। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 19.0.1 एक न्यू अपडेट आ चुकी है और 8 सितंबर 2023 से यानी कि अभी ये लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। तो आप सभी लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर चुके हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली ओपन वाले पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो THR का ऑप्शन है वो यहाँ पे डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में ऐड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम डेली ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है उसको ओपन कर लेते हैं। तो डेली ट्रैकिंग वाला जो ऑप्शन है उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र की जो स्थिति है उसको दर्शाएंगे कि आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है या नहीं खोला है। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चों की मॉर्निंग स्नैक्स वगैरह है वो आप लोग यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है। और उसके नीचे जो THR वाला ऑप्शन है सीधे हम डायरेक्टली इस THR वाले ऑप्शन पर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि जो THR वाला ऑप्शन है जिसमें कि 25 दिनों की जो संख्या है वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है, तो मैंने आप लोगों को 19.0 के अपडेट में बताया था कि पोषण ट्रैकर ऐप में एक बहुत जल्द ही अपडेट आने वाली है जिसमें कि आप लोगों को जो THR की समस्या चल रही थी वो समस्या आपकी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस नए अपडेट के साथ आप लोगों की ये समस्या बिल्कुल ही ठीक हो गई है। अब आप लोग आसानी से जितने भी लाभार्थी हैं उनको 25 दिनों की संख्या यहाँ पर ऐड करेंगे और सबमिट कर देंगे। हालांकि जो पिछला अपडेट आया था उसमें सिर्फ यहाँ पे दो ही अपडेट दिखा रहा था, 7 डेज और 15 डेज, तो इसको लेकर आंगनबाड़ी बहनों के मन में काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न थी। तो अब ये कन्फ्यूज़न आप लोगों की दूर हो चुकी है। अब आप लोग आसानी से किसी भी लाभार्थी को 25 दिनों की जो संख्या है वो यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अभी फ़िलहाल मैं सबमिट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अभी THR वितरण नहीं किया गया है। जिन सेविका बहनों के यहाँ THR वितरण हो चुका है वो यहाँ पर 25 दिनों की संख्या ऐड करेंगी और यहाँ पर सुरक्षित कर लेंगी, ठीक है। इस प्रकार से अब आप लोग यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं फिर स्तनपान कराने वाली महिला की कैटेगरी में। जैसे कि यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन है वो आप लोगों को दिखने लगा है, और यहाँ पे जो SCM वगैरह है इसको हमें कुछ नहीं करना है जैसा कि हमने आपको उस वीडियो में भी बताया था, क्योंकि जितने भी लाभार्थी हैं उनको हम लोग सिर्फ THR ही वितरण करते हैं, SCM हम लोग अभी नहीं देते हैं, तो हमें SCM वगैरह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये पोषण ट्रैकर ऐप में 19.0.1 की अपडेट आई थी। तो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी है वो आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी सेविका बहनों की ये जो समस्या है वो ठीक हो जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।